नन्हे मुन्ने बच्चों में खेल के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए जिला एथलेटिक्स संघ ने प्रयास किया है, जिसके चलते शनिवार हमीरपुर में जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिला भर के स्कूलों के लगभग 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए सुविधाएं पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने प्रयास किया जिसके कारण अब खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेलों में खिलाड़ी बनकर खेलें और हार जीत से घबराना नहीं चाहिए, खेलों को खेल भावना से मैदान में प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में एक नहीं दो सिंथेटिक ट्रैक बनाए गए थे। पहले फैसिलिटीज नहीं थी और बहुत बड़े बड़े प्रदेशों में कई जगह सिंथेटिक ट्रैक नहीं हुए। आपकी कोशिश के माध्यम से, आपकी उपलब्धियों के कारण हमने प्रयास किया और स्टेट में, छोटी स्टेट में एक नहीं दो सिंथेटिक ट्रैक आपकी डेवलपमेंट है। मैं आपसे यही आपको सुझाव देना चाहूंगा कि खिलाड़ी की भावना से खेलिएगा, गेम में स्पोर्ट्स में स्पिरिट होनी चाहिए। कौन जीतता है कौन हारता है इसका महत्व नहीं होता, आपने खेल किस प्रकार से खेला इसका महत्व है। कभी ने इंग्लिश में कहा है इफ ए ग्रेट स्कोर कम्स टू नाइट ऑफ मे डू नॉट राइट वेदर यू वन आर लॉस्ट बट हाउ डिड यू प्ले द गेम। अनुशासन, टीम स्पिरिट, मिलकर खेलना और जीतने के लिए खेलना, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी के आह्वान पर जो देश में एक नया दौर शुरू हुआ है, इसका सचिन तेंदुलकर ने भी धर्मशाला में जिक्र किया। पहले केवल मात्र खेल देखना, खेल खिलाड़ी की प्रशंसा करना ही था, अब नारा है खेल इंडिया, सारा भारत के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल और 8 साल से कम आयु के बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। आप एक विषय है, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस मौके पर एथलेटिक्स कोच पवन वर्मा ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार मीट में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मीट में 10 से 12 वर्ष के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और छोटे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। आज हम डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट करवा रहे हैं, ये एनुअली हर साल इवेंट करवाया जाता है और पिछले साल से हम इसको बड़े स्तर पर कर रहे हैं। पिछले साल लगभग 1000 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वो संख्या इस बार बढ़कर 1200 के करीब हो गई है। और इस इवेंट के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे माननीय प्रोफेसर धूमल साहब हैं। और जो मेन इस इवेंट की खासियत ये है कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल और 12 साल के बच्चे, इनकी मैक्सिमम 400 प्लस पार्टिसिपेशन है। तो छोटे बच्चे जो अभी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आगे चलकर अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा लड़कियों की भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा जिला हमीरपुर है, मुझे लगता है कि फिटनेस की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है और जो पेरेंट्स बच्चों को साथ लेकर आए हैं, इट मीन्स दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ फिटनेस। थैंक यू। वहीं एथलेटिक संघ के पदाधिकारी पंकज भारती ने बताया कि नन्हे बच्चों में खेलों की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से एथलेटिक संघ ने प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए किड्स एथलेटिक प्रतियोगिता में बच्चे भी आकर खुश हैं और प्रतियोगिता से काफी उत्साहित हैं। आप क्वेश्चन करेंगे कि पंकज जी बताएंगे टूर्नामेंट हो रहा है एथलेटिक का, इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज की जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है वो हमीरपुर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में इस बार रिकॉर्ड तोड़ एंट्री है,
1200 के करीब जो हैं वो पूरे जिला से खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया है। जिला एथलेटिक संघ ने जो है वो खेलों को, विशेषकर एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, फिटनेस के ऊपर और जो छोटे बच्चों का खेलों के प्रति और अधिक रुझान पैदा करने के लिए जो है वो अंडर 10 और अंडर 12 दो और कैटेगरीज को हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो अगर हम AFI के रूल्स को देखें तो उसके अंडर अंडर 14, 16, 18 और 20 कैटेगरीज जूनियर में आती हैं, उसके अलावा मेन और वुमेन कैटेगरीज आती हैं। पर एक ट्रायल के तौर पे हमने अंडर 10 और अंडर 12 कैटेगरीज को जो किड्स एथलेटिक्स के तौर पे हमने अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया है, तो उसी का परिणाम है कि आज ये जो इतना बड़ा एक खेल मेला लगा हुआ है, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े ऐसे हमारे प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे भी एथलेटिक्स का जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उसके खेल प्रतियोगिता में इतनी ज़्यादा जो है वो भीड़ नहीं उमड़ती है। तो खेलों के प्रति बच्चों का जो झुकाव हो, उनका लगाव हो और उसके साथ बच्चे फिट बने, जैसे कई प्रकार की बीमारियां हमारे बच्चों को लगती हैं जिनमें नशा भी होता है, इसके अतिरिक्त कई बार बच्चे जो है फिटनेस के अभाव में किसी स्कूलों में भी जैसे प्रेयर में असेंबली में गिर जाते हैं, तो ये एक फिटनेस के लिए उनको मोटिवेट करने का एक प्रयास जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा किया गया।